के साथ साथ दिल्ली की गर्मी भी अपने तेवर दिखाती है और दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है तो गर्मी तो लगेगी ही। और ऐसे में यहाँ के किसानों ने अभी से ही गर्मी की व्यवस्था शुरू कर दी है। किसान कूलर, फ्रिज और इन्वर्टर लेकर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली की गर्मी तो आपको पता है, सर्दी के साथ साथ दिल्ली की गर्मी भी अपने तेवर दिखाती है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है तो गर्मी तो लगेगी ही। ऐसे में यहाँ के किसानों ने अभी से गर्मी की व्यवस्था शुरू कर दी है। किसान कूलर, फ्रिज और इन्वर्टर लेकर दिल्ली बॉर्डर पहुँच रहे हैं। पंजाब से संगरूर डिस्ट्रिक्ट से अकबरपुर साडा नगर हैगा, उत्थे धरने ते जा रहे किसान संघर्ष जिथे लड़े जा रहे। हुण तुहानू पता भी गर्मी का मौसम आ गया, एक जीप ते गए ट्राली बनी हैगी, संगत ज्यादा होने करके असी अपना कूलर भी है, एक पखा भी है, इनवर्टर भी है, बैंटरा भी है, ताकि असी गर्मी तो थोड़ी राहत पा सकी। सारा जिन्ना सिस्टम दिया सियाल वाला असी खत्म कर लिया, गर्मी वाला समान सारा ले जा रहे हैं हुण असी, साडे कोल पानी भी है, सारा कुछ है, जिन्नी सहूलत सानू किसान च लोड़ हैगी। गर्मियां करके कूलर भी लैके चलना जी, बैंटरा भी लैके चलिया जी, जो भी खाण पान का अपना किसान का समान आई वह लैके चलिया असी, ठीक है ना जी। तो 10-15 बंदे की ड्यूटी लगे, 15 बंदे बग जाते हैं जी, 15 आ जाते हैं इधर, तो हफ्ते हफ्ते की डेट रखी है, हफ्ते मगर ही 15 बंदे चेंज हो जाते हैं, 15 चले जाते हैं धरने से, 15 आ जाते हैं। वैसे तो किसानों को खेतों में गर्मी झेलने की आदत है, लेकिन छोटे बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए तैयारी की जा रही है। वैसे सानू गर्मी इतनी लगती नहीं है क्योंकि असं गर्मी के पले हाँ, गर्मी साढ़े उत्ते निपटती हैगी, जी फसल कट देंगे तो भी गर्मी आँदी हैगी। सानू गर्मी बारे एड्डी कोई समस्या तो है नहीं, जो बुजुर्ग ने गे बच्चे ने गे छोटे उन्होंने वास्ते कूलर भी है, इनवर्टर भी है, सारा समान असं लेके आए हैं। साढ़े पास बच्चा भी है छोटा छोटा, तो बुजुर्ग भी है, वो गर्मी तो राहत दवाने के वास्ते कई बार लाइट सरकार की तक कदों कट लवे, अपना प्रबंध असं आप करके लेके चलेंगे। किसान संगठनों का दावा है कि उनकी तैयारी लंबी है और कृषि कानूनों की वापसी तक वो पीछे नहीं हटेंगे। जींद से खबर फास्ट के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। उतार चढ़ाव के साथ किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं।